أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you students? Hope you are fine. आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं लेकिन लेक्चर जो कि यूनिट नंबर 1 से है और क्या है हमारा यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट जी गर्ल्स मेजरमेंट की बात हो रही थी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था हमने इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट देखे थे लेंथ मालूम करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने देखा भी था और मेजर भी किया था आपने स्क्रू गेज को भी पढ़ा था वहाँ वर्नियर कैलिपर को भी पढ़ा था और मेजरिंग टेप भी हमने देखा था आज जो हम सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं मेजरमेंट की वो क्या है आपके पास मास ठीक है हमने डिस्कस किया था ना दे आर थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेजरमेंट की वो कौन कौन सी है पहली लेंथ थी सेकेंड मास एंड थर्ड यस थर्ड आपके पास क्या है टाइम तो अब यहाँ पर सेकेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी मास यस व्हाट इज मास बताइए आपने पढ़ा है क्लास 7 और 6 में गुड मास किसे कहते हैं द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जितना अमाउंट ऑफ मैटर अपने अंदर रखता है वो क्या कहलाता है उस सब्सटेंस या उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है ठीक है द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर का अमाउंट क्या बन जाता है उसका मास बन जाता है आइए देखते हैं इस बॉक्स को देखिए अब इस बॉक्स के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है ओवरऑल ठीक है ये इस बॉक्स का क्या बन जाएगा मास ठीक है लेट सपोज कि इसका अमाउंट ऑफ मैटर ओवरऑल क्या बन रहा है 1 kg तो इसका मास क्या हो जाएगा 1 kg द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ठीक है यानी इस ऑब्जेक्ट में जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है ओवरऑल ये क्या कहलाएगा इसका मास कहलाएगा ठीक इसी तरह से अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ कि ये आपके पास बोर्ड मार्कर है इसका ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ मैटर है यानी बोल्ट मार्कर में जितना अमाउंट ऑफ मैटर है क्या बन जाएगा इसका मास बन जाएगा ठीक इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास जो डिसाइड हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट में वो क्या हुआ था डिसाइड किलोग्राम ठीक है और इसका सिंबल क्या है kg इसके बाद हम बात करते हैं वेट की जी वेट को उर्दू में वजन कहते हैं ठीक है वेट होता क्या है द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इट एक्सर्ट ऑन एनीथिंग विच फ्रीली सपोर्ट और वेट इज द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ठीक है वेट को इस तरह से ले सकते हैं कि वो वेट है क्या अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होने लगती है तो वो क्या बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है लेट सपोज कि ये मास है आपके पास 1 kg का ठीक है ये 1 kg के ऑब्जेक्ट है इसका मास 1 kg है लेकिन अब इस पे इसको मैंने फ्रीली हैंग कर दिया अब इस पे एक फोर्स अप्लाई होने लगी वो कौन सी फोर्स थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विच अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ यानी जमीन की वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कशिश सफल कहते हैं ठीक है अब इस मास पे फोर्स अप्लाई होने लगी तो ओवरऑल ये क्या बन गया वेट बन गया ठीक है वजन बन गया यानी वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो क्या बन जाता है वो उसका वेट बन जाता है वेट का यूनिट हमारे पास क्या है द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन ठीक है इसका सिंबल n है एक और बात ध्यान में रखते हैं गर्ल्स के मास और वेट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है मास किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता इट डज नॉट चेंज ये चेंज भी नहीं होता ये डिपेंडेंट नहीं होता ठीक है जैसे कि हम इस बॉक्स की एग्जांपल लेते हैं ये बॉक्स इस ट्रॉली पे रखा हुआ है तो जितना मास इसका अभी इस वक्त है अगर मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूंगी तो इसका मास जो है वो दूसरी प्लेस पे भी उतना ही रहेगा मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया कमी बेशी नहीं की अगर इसका 1 kg मास है
तो मैं उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे रखूंगी तो इसका मास क्या रहेगा, 1 kg। लेकिन फोर्स ऑफ वेट की बात जब करेंगे तो वेट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट ऑब्जेक्ट का चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर। जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना वेट ज़्यादा होगा और जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी उतना वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम इससे लेते हैं कि अगर अर्थ पे रहते हुए हमारा वेट जो है बन रहा है 50 kg और हम स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती तो वहाँ पर हमारा वेट क्या हो जाएगा, हम वेटलेस हो जाएंगे। इसका मतलब वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर। जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ वेट ज़्यादा है और जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है वहाँ वेट भी क्या है, कम है। ठीक, अब मास की बात करते हैं कि मास को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम मास को मेजर करते हैं। आप लोग जाते हैं, आपने आपके मुशाहदे में है कि आप लोग देखते हैं फल लेते हैं सब्जियाँ लेते हैं तो तराजू होता है फल वाले के पास, ठीक है, सब्जी वाले के पास। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के बैलेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें क्या होता है, वेट को मास को मेजर किया जाता है। ठीक है, मास मालूम करने के लिए लैब में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, फिजिकल बैलेंस में देख लेते हैं। इसके 2 pens आपको नजर आ रहे हैं, ये लेफ्ट पेन जिसपे जिस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना रहता है उसको हम रखते हैं और राइट पेन पे हम स्टैंडर्ड वेट रखते हैं। ये हमारे पास देख लीजिए, ये जो हमारे पास वेट है ये हमारे पास ग्राम में है। ठीक, और इसी तरह से ये वाले हमारे पास फ्रैक्शनल वेट हैं जो मिलीग्राम में है। यहाँ पर देख लेते हैं वेट मालूम करने के लिए, जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और स्टैंडर्ड वेट रखते हैं तो सेंटर में आपको जो पॉइंटर नज़र आ रहा है वो जो है वो वेट दोनों तरफ बैलेंस होने की सूरत में वो पॉइंटर बिल्कुल मिड पे होता है। ठीक है, सेंटर में होगा ये। इसको चेक करने के लिए हम नॉब जो है वो मूव करेंगे, ये नॉब है, हम इसको मूव करेंगे, देख लीजिए जी। तो अगर ये पॉइंटर या तो मिड में हो, ठीक, या फिर दोनों साइड्स पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वली डिजिट्स मूव कर रहा हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मेजर कर लिया। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मास को देख लेते हैं। हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास आपके पास किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम तो स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन अगर किलोग्राम से ज्यादा का मास हो किसी ऑब्जेक्ट का तो फिर हम उसको किस पे लेके चले जाते हैं, टन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत ज्यादा मशीनरी हैवी लोड जो है एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो उसका मास हम किस में लेते हैं, टन में लेते हैं। ठीक है, और याद रखिए कि 1 ton किसके इक्वल होता है, 1000 kg के इक्वल होता है। 1 ton इज इक्वल टू 1000 kg। जब किलोग्राम की बात करते हैं तो किलोग्राम से छोटा अगर जो है ये कम मास हो तो फिर उसको हम किस में लेके जाते हैं, उसको हम ग्राम में लेके चले जाते हैं। यानी आपके पास मास कम है किसी सब्सटेंस का तो फिर हम किलोग्राम में उसको नोट नहीं करते या उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, ग्राम का यूनिट यूज करते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 g। ठीक, अब ग्राम से भी छोटा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, मिलीग्राम। ठीक है, ग्राम से भी छोटा या कम मास है तो उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, मिलीग्राम का। तो 1 gram इज इक्वल टू 1000 mg। और इसी तरह से 1 gram अगर मिलीग्राम से भी छोटा हमें रीडिंग नोट करनी है, मेजर करना है तो फिर हम माइक्रोग्राम में चले जाते हैं। और याद रखिएगा कि 1 gram 1 lakh microgram के इक्वल होता है, 1 million microgram के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 1 gram इज इक्वल टू 1 million microgram। इसके बाद हम वहीं पर आते हैं, हमने कन्वर्जन सीखी थी, लेंथ की कन्वर्जन की थी, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आए थे और छोटे से बड़े में गए थे। यहाँ पर हम दोबारा ये काम करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 kg इनटू मिलीग्राम, यानी बिग वैल्यू से आपको स्मॉल वैल्यू में जाना है। और जब भी आप बिग से स्मॉल पे जाएंगे तो करेंगे क्या, आप मल्टीप्लाई करेंगे। हम ग्रेजुअली जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे केजी से एमजी पे, पहले किलोग्राम से हम किस पे जाएंगे,
किलोग्राम से ग्राम पे जाएंगे, ठीक है, और फिर ग्राम से किस पे जाएंगे, मिलीग्राम पे जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को कि आपके पास है क्या, आपको 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। एज वी नो दैट कि 1 किलोग्राम आपके पास किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1000 मिलीग्राम के। हमें पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है। अब ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कितने मिलीग्राम के बराबर है, 1000 मिलीग्राम के बराबर है, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो नंबर आया वो क्या आया, 1 मिलियन मिलीग्राम। हेंस अब आपके पास आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलियन मिलीग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, कन्वर्ट 1 मिलीग्राम इनटू किलोग्राम। अब स्मॉल है मिलीग्राम और आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। जब भी स्मॉल को बिग पे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम पहले मिलीग्राम से ग्राम पे जाएंगे, मिलीग्राम से ग्राम पे गए और फिर ग्राम से हम किस पे चले जाएंगे, किलोग्राम पे, ठीक है। तब हमें पता है कि 1 मिलीग्राम जो है, आप देख लीजिए यहाँ पर 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीग्राम के। तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा, 1/1000 ग्राम के, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है ना। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम के, ठीक। अब हमें पता है, यहाँ पर देख लेते दोबारा से कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/1000 किलोग्राम के। देख लीजिए यहाँ ग्राम की जगह जब उसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि हमें किस में लाना है यूनिट, किलोग्राम पे लेकर आना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलियन आ गया, यानी 1/1 के साथ 6 times 0, ठीक है, ये आपका केजी बन गया। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1 एंड 6 times 0 किलोग्राम। फिर हमने इसको मजीद डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो फाइनल रीडिंग आई 1 मिलीग्राम की, वो किसकी इक्वल आई, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.5 times 0 एंड 1 किलोग्राम, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या किया कि स्मॉल वैल्यू को यानी मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया था, किलोग्राम को मिलीग्राम पे कन्वर्ट कर दिया था। आ गई कन्वर्जन आप लोगों को, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी क्योंकि वैल्यूज चेंज होके आएंगी आगे। होमवर्क आपका क्या है, आपको होमवर्क करना है, डू क्वेश्चन 3 and 4 फ्रॉम यूनिट 1, खुद से कीजिएगा यूनिट 1 में से क्वेश्चन 3 and क्वेश्चन 4। लीजिए गर्ल्स, पेज नंबर 7 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, ठीक है। आपको बताना है कौन सा इसमें ग्रेटर है, ग्राम किलोग्राम, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसको करने की। इसके बाद क्वेश्चन 4 आपका क्या है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो राइट ऑप्शन है वो आपको 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद खुद से सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन दोनों को करने की, ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने कल जो आपको काम दिया था वो भी आपने यकीनन कर लिया होगा, देख लेते हैं इसी तरह से किया होगा आप लोगों ने, साफ सुथरा काम, ठीक है। डेट ज़रूर डाल दीजिएगा, पेज नंबर और डेट आप डालिएगा, देख लीजिए इसी तरह से। ये स्क्रू गेज का शॉर्ट नोट था, और इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको, ये देख लीजिए, ये वाला भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसी तरह से साफ सुथरा काम कीजिएगा, इंडेक्स साथ साथ मेंटेन कीजिएगा, डेट पेज नंबर सब मेंशन कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।